दोस्तों सप्रेम जय भीम। हाँ, मैं एडवोकेट सुधीरेश तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। दर्शकों, श्रोताओं, हम आज बेधड़क इस ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एक विषय लेकर आपके पास आ रहे हैं और जिस पे हम आज ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपने मुद्दे रखेंगे। अभी हाल ही में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी वडेरा, इनको जो 1991 से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो सेवा मिल रही थी, सुरक्षा मिल रही थी, वो सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी ने वापस ली है, तो क्या उनका ये निर्णय सही है? इस बारे में आज ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से हम अपने विचार रखेंगे। पहले एसपीजी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और इसका जो हेड क्वार्टर है, भारत की जो राजधानी है दिल्ली शहर में, इसका हेड क्वार्टर है। अब महत्वपूर्ण बात हम रखते हैं कि एसपीजी निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एसपीजी निर्माण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमको जानना होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी आखिरी बार जनवरी 1980 में भारत देश के प्रधानमंत्री पद पे आसीन हुई और जनवरी 1980 से लेकर वो अपना कार्य कर रही थी 30 अक्टूबर तक 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके निवासी बंगले पे बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, और एक प्रधानमंत्री की हत्या उनके बंगले में हो जाने के वजह से इसके ऊपर में विचार मंथन हुआ कि प्रधानमंत्री ये देश का एक महत्वपूर्ण पद है, उसे बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी कभी किसी जाति समूह के खिलाफ भी राष्ट्रहित में एकाध निर्णय लेना पड़ता है, और विदेशी राष्ट्रों के साथ जब जंग करने का निर्णय लिया जाता है तो विदेश में भी बहुत सारे शत्रु और बहुत सारे दुश्मन प्रधानमंत्री के होते हैं, और इसलिए विचार मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री यह देश का महत्वपूर्ण पद है और उनके जान को और उनके परिवार के लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है, उनके ऊपर में कभी भी आतंकवादियों द्वारा या कोई गुंडों द्वारा या कोई विदेशी आतंकवादियों द्वारा कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है और उनकी हत्या हो सकती है, और इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। अंतिम चर्चा में सहमति बनने के बाद 8 अप्रैल 1985 में पहली बार एसपीजी का गठन हुआ, लेकिन इसके लिए कोई कानून बनाया नहीं गया था। 1985 से लेकर
ये कानून 1988 तक चल रहा था, लेकिन इसको किसी कानून का आधार नहीं था। तो फिर राजनीतिक दलों ने और सांसदों ने सोचा कि इसके बारे में संसद में किसी प्रकार का एक कानून बनाया जाए, ताकि एसपीजी को हमेशा इस कानून के वजह से संरक्षण मिलता रहे। और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी का निधन हो जाने के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी 1984 में भारत देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो गए और 1988 तक वो प्रधानमंत्री पद पर थे। तो एक पार्लियामेंट में एसपीजी बिल लाया गया और इसको पारित किया गया और फिर 2 जून 1988 को एसपीजी की कानूनी तरीके से उसका गठन किया गया और 2 जून 1988 को इसको पार्लियामेंट की मान्यता मिली। तब से आज तक ये कानून चलते आ रहा था। तो 2 जून 1988 में इस एसपीजी का गठन पार्लियामेंट में संसद में कानून पारित होने के बाद जब किया गया, तो इस कानून में क्या है, क्या था? इस कानून में था कि जो प्रधानमंत्री है उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाए और उनके जितने परिवार के लोग हैं जो उनके साथ में रहते हैं या पूरे विश्व में उनके परिवार के लोग कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें एसपीजी की सुरक्षा दी जाए, ऐसा प्रावधान इस कानून में था। उसके बाद इस कानून में अब तक 5 बार संशोधन किया गया है, 1991, 1994, 1999, 2003 और अभी हाल ही में ही 2019 में इसमें अमेंडमेंट बिल लाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन 2003 में जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था उस बिल के अंदर में क्या बदलाव किया गया। 2003 में इसमें बदलाव किया गया कि जो भूतपूर्व स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1988 में बनने के बाद अब तक इसमें कुल 5 बार बदलाव हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है। 1991, 1994, 1999, 2003 और 2019। सबसे पहले बात करते हैं 1991 अमेंडमेंट की। और ये अमेंडमेंट क्यों लाई गई, क्या ज़रूरत पड़ी? तो भारत देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वे पद पे नहीं थे, 1991 में भूतपूर्व बन गए थे, इसलिए उनकी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो सिक्योरिटी है वो हटा दी गई थी। और 1991 में मई महीने में उनकी आतंकवादियों द्वारा बड़ी बेरहमी से
उनकी हत्या की गई और फिर चर्चा हुई सांसदों में कि प्रधानमंत्री पद यह महत्वपूर्ण पद है, वो पद पर रहने के बाद तो एसपी जी की सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे ना भी रहे तो भी उनको उनके जान को उनके परिवार के जान को हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री को और उनके परिवारजनों को एसपी जी उनको देना चाहिए और इस प्रकार का अमेंडमेंट, इस प्रकार का बदलाव 1991 में हुआ। पहले इसमें सिर्फ केवल जो प्रधानमंत्री कार्यरत है, प्रधानमंत्री पद पर है, उन्हें ही सुरक्षा देने का प्रावधान था, लेकिन 1991 में प्रधानमंत्री पद से उतर जाने के बाद या प्रधानमंत्री नहीं रहने के बाद, प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजनों को भी एसपीजी सुरक्षा देने का प्रावधान की व्यवस्था 1991 के अमेंडमेंट कानून में की गई। उसके बाद 2003 में भी इसमें एक अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट इस प्रकार था कि जब कोई प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद और उसके परिवारजनों को केवल एक साल के लिए एसपीजी की सुरक्षा मुहैया करना चाहिए और हर एक साल के बाद उनके सुरक्षा का ऑडिट किया जाना चाहिए, उनके बारे में जो खतरे हैं उनका ऑडिट करना चाहिए और जब दूसरे साल यदि रिपोर्ट मिलती है कि उनके जान का खतरा बना हुआ है तभी उनकी एसपीजी जो सुरक्षा है वो कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं लगता है तो उनकी एसपीजी सुरक्षा बंद करनी चाहिए। तो ये अमेंडमेंट 2003 में आया। अभी हम बात करते हैं एसपीजी अमेंडमेंट कानून 2019 का। इस अमेंडमेंट बिल को 27 अक्टूबर 2019 को भारत की लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। लोकसभा में ये कानून पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में इसे 3 दिसंबर 2019 को अमित शाह द्वारा सादर किया गया और राज्यसभा में भी ये कानून मंजूर हो गया है और इसमें बड़ी अमेंडमेंट की है, बड़ा बदलाव किया है कि एसपीजी की जो सुरक्षा है यह अति महत्वपूर्ण है और इसलिए जो प्रधानमंत्री पद पे कार्यरत है और जब तक उसका कार्यकाल चल रहा है तभी उसे एसपीजी की सुरक्षा देनी चाहिए, ऐसा इसमें प्रावधान है। और दूसरा प्रावधान है कि उनके परिवारजन जो प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास पे रहते हैं उनको ही, जब तक वो व्यक्ति प्रधानमंत्री है तब तक उन्हें एसपीजी की सुरक्षा देनी चाहिए। अब ये तो कानून बन गया है, लोकसभा में एसपीजी अमेंडमेंट बिल 2019 बहुमत से मंजूर हो गया है, राज्यसभा में भी मंजूर हो गया है और अब ये कानून बन गया है, इसलिए इस कानून का तो अमल करना होगा। लेकिन हम इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं। इस कानून का आधार लेकर अभी
राजीव गांधी जीवित नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, श्रीमती सोनिया जी गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, श्रीमती प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, और इसलिए अब इस कानून के तहत वो प्रधानमंत्री, इन तीनों में से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है और वर्तमान प्रधानमंत्री के परिवार जन भी नहीं है। इसलिए इस कानून का आधार लेकर नरेंद्र मोदी जी ने गांधी परिवार की सुरक्षा SPG हटाई है और हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम यहाँ विचार रखना चाहेंगे कि जो व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, या चाहे वो किसी आघाड़ी का हो, लेकिन प्रधानमंत्री है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है और प्रधानमंत्री को बड़े कभी कभी राष्ट्रहित में, किसी जाति विशेष के विरोध में, किसी धर्म विशेष के विरोध में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तब उस जिस जाति के या जिस धर्म के विरोध में निर्णय लिया गया, उस जाति के, उस धर्म के लोगों के मन में उस प्रधानमंत्री के प्रति बदले की भावना निर्माण हो जाती है और उनके दिमाग में हिंसक विचार घुस जाते हैं और वो प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात भी सोचता है और उसे अमल देने के लिए भी कोशिश जारी रखता है। और इसलिए प्रधानमंत्री के जान को हमेशा खतरा बना होता है। कभी कभी जो विदेशी राष्ट्र होते हैं और विदेशी राष्ट्र कभी अपने देश के ऊपर में हमला करने की कोशिश करते हैं या आतंकवादी भेजकर इस देश को तबाह करना चाहते हैं, ऐसे स्थिति में भारत देश के प्रधानमंत्री को अपने राष्ट्रपति के माध्यम से सेनाध्यक्ष को आदेश देकर युद्ध का ऐलान करना होता है और जंग हो जाती है और इस जंग में जो शत्रु राष्ट्र है उसके अनेक असंख्य अनगिनत सैनिक मारे जाते हैं और हम युद्ध जीतते हैं। ऐसे स्थिति में भी जिस देश के साथ हमारा भारत देश का युद्ध हुआ और जिस युद्ध में हमारे शत्रु राष्ट्र के हजारों सैनिक युद्ध में मारे गए, उस देश के नागरिकों में भी बदले की भावना निर्माण होती है और वो सोचते हैं कि कौन सा ये व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने हमारे देश को तबाह किया, हमारे देश के साथ में युद्ध लड़ा और वो बदला लेने की कोशिश करता है और कुछ संगठन बन जाते हैं, कुछ आतंकवादी संगठन बन जाते हैं, वो दारू बारूद इकट्ठा करते हैं, वो मशीन गन इकट्ठा करते हैं, वो बम इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि इस प्रधानमंत्री की हत्या हम कैसी करें। और प्रधानमंत्री जब पद पे व्यक्ति होता है उसे तो SPG की सुरक्षा मिलनी चाहिए। भारत देश का वो नागरिक जब है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आया हो, लेकिन उसको SPG मिलने ही चाहिए और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आया उसमें लिखा हुआ है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री को SPG की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर अपने विचार रखना चाहते हैं कि हमने देखा होगा कि जो आतंकवादी होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, तो जब वो किसी बात से जब उनको गुस्सा आता है
और जब वो उस व्यक्ति की हत्या करने की सोचते हैं तो चाहे वो व्यक्ति पद पे हो या पद पे ना हो तो उसकी हत्या करने की वो ज़रूर कोशिश करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री पद पे उस व्यक्ति को खतरा होता है और प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद उसके जान का खतरा ख़त्म हो जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री जब पद पे होते हैं तब बड़ा सुरक्षा का घेरा उनके साथ में होता है, सांसद हमेशा उनके साथ में होते हैं, वो हमेशा भीड़ में होते हैं, इसलिए उनकी हत्या करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल जब वो समाप्त करता है और जब वो व्यक्ति भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन जाता है तब उसके जान का खतरा जो है वो हजार गुना बढ़ जाता है, और ऐसा हमारा मानना है। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे, उनके साथ में कभी कोई अनहोनी घटना घटी नहीं और उनकी जान भी सुरक्षित थी, लेकिन जब जनरल अरुण वैद्य साहब जब सेना से निवृत्त हो गए, अब जब वो पुणे के निवासी बंगले में रहने लगे थे, तब जो खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो आतंकी थे उनको पता था कि जनरल अरुण वैद्य ने ही ये ब्लू स्टार ऑपरेशन पंजाब में किया था और यही उसके मास्टरमाइंड थे, और उन्होंने बात सोच ली थी कि इससे हमें बदला लेना है और पुणे में निवासी बंगले में जाकर गोलियों से भूनकर उनकी हत्या की गई थी। तो मैं मानता हूँ कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके किसी फैसले से, उनके किसी निर्णय से किसी जाति समूहों को, किसी धर्म समूहों को नाराज़ी होती है, उनमें गुस्से की भावना आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है, उसी प्रकार कोई शत्रु राष्ट्र के आतंकवादियों में भी एक बदले की भावना हो सकती है। और प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद जब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होता है तब उस व्यक्ति को और उसके परिवारजनों को, परिवारजनों के जान के जान का खतरा हजार गुना बढ़ जाता है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए अभी ये जो अमेंडमेंट बिल जो लाया है 2019 में एसपीजी का, और इसमें जो दो बदलाव किए गए हैं, ये दोनों बदलाव ये तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और केवल श्रीमती गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने हेतु और उनके जान को असुरक्षित करने के लिए ही यह निर्णय व्यक्तिगत द्वेष से अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन दोनों ने लिया है, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हम तो सांसद नहीं हैं, हम लोकसभा में भी सदस्य नहीं हैं, राज्यसभा में भी सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट में जो सदस्य है, जो लोकसभा में सदस्य है, जो राज्यसभा में सदस्य है, उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में इसको उठाया जाए, इसके ऊपर में प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से इनसे सवाल पूछे जाए और इनको सवाल के कटघरे में इनको खड़ा किया जाए, और इन्होंने 2019 में अमेंडमेंट बिल में जो दो बदलाव आज हमारा चर्चा का विषय है भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजनों को एसपीजी की सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो इस पे हमारा मानना है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारजनों को एसपीजी की सुरक्षा उपलब्ध
करवानी ही चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जब पद पे होता है तब तो उसके जान को, उसके परिवार के जान को खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वो प्रधानमंत्री का शासकीय जो बंगला है, निवास स्थान है, उसे छोड़ देता है और वह अलग जगह पर अपने परिवार के साथ में रहता है, तब तो उसके जान को, उसके परिवार के जान को खतरा हजार गुना बढ़ता है। ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। एक यहाँ पर हम उदाहरण देना चाहेंगे कि सुरक्षा हटाए जाने के बाद में क्या उसका अंजाम होता है। एक उदाहरण देना चाहेंगे, जनरल अरुण वैद्य ये भारतीय सेना में जनरल के अहदे में थे, तब भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी और उन्होंने जनरल को आदेश दिया कि पंजाब से आतंकवादी गतिविधियां ख़त्म करने के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। जनरल अरुण वैद्य के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में 3 जून 1984 को पंजाब के अमृतसर इस शहर में ब्लू स्टार ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसमें खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो मुखिया थे, जो प्रमुख नेता थे जनरल भिंडरवाले, तो वो सेना के साथ एनकाउंटर में वे मारे गए और फिर पूरा पंजाब आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त हुआ, वहाँ पर शांति लौट आई, वहाँ पर अमन लौट आया। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जब जनरल अरुण वैद्य सेना में जनरल के पद पे थे, जनरल के अहदे पे थे, तब उनको भारी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी और उनके आगे पीछे गनमैन कमांडो हुआ करते थे। जब वह पद पर थे उनके साथ कोई भी अनुचित घटना नहीं घटी, उनके साथ में कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी और उनके जान को कोई भी खतरा नहीं हुआ। लेकिन जब जनरल अरुण वैद्य सेना से निवृत्त हो गए, निवृत्त हो जाने के बाद उनका जो पैतृक, उनका गांव है, उनका जो मूल गांव है, उनका जो मूल शहर है महाराष्ट्र का पुणे, वो पुणे में आकर अपने खासगी निवासी बंगले में वो वहाँ रहने लगे। अब उनका पद, जनरल का पद चला गया था, इसलिए उनकी, उनको जो सेना में सुरक्षा मिलती थी वो तमाम सुरक्षा हटाई गई और केवल एक गार्ड उनके बंगले में रखा गया। तो जो खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो बचे हुए आतंकी थे, जो गुस्से में थे कि इनके कारण खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख नेता एनकाउंटर में मारा गया, इसलिए उनके दिल में प्रतिशोध की भावना थी और वो बड़े गुस्से में थे और वो किसी भी कीमत पे अरुण वैद्य की हत्या करना चाहते थे। 10 जून 1986 को ये खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी वहाँ पर अपनी मशीन गन लेकर आए और उन्होंने पुणे में निवासी बंगले पर गोलियां चलाई और जनरल अरुण वैद्य की आतंकी द्वारा उनकी हत्या की गई और यह हत्या 10 अगस्त 1986 को हुई। इस उदाहरण से हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते, जब जनरल अरुण वैद्य सेना के पद पर, जनरल पद पर कार्यरत थे, उनको भारी सुरक्षा थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन उस दौरान कोई भी आतंकी संगठन, कोई भी आतंकवादी उनकी जान की हत्या नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही वो निवृत्त हो गए, निवृत्त हो जाने के बाद जैसे ही उनकी सुरक्षा हटाई गई तो उनकी हत्या हो गई। इसलिए हम अपने बात को पुरजोर तरीके से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पे जब कोई व्यक्ति रहता है तब तो उसके जान को खतरा होता ही होता है, लेकिन
प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद उसके जान को खतरा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जान को खतरा, उनके परिवार जन के लोगों को खतरा हजार हजार गुना बढ़ जाता है। और इसलिए उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का इस राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान होता है, राष्ट्र विकास में बड़ा योगदान होता है, राष्ट्र हित में उन्होंने कई फैसले लिए होते हैं। और इसलिए उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी और उस प्रकार से भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवार जनों के जान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ये जो जो भी शासन होगा उस शासन की रहती है। और उस केंद्र शासन ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री को और उनके परिवारजनों को हमेशा एसपी जी की सुरक्षा उपलब्ध उन्होंने कराना चाहिए, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। जो दो बदलाव स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट में 2019 में किए गए हैं, इस दो बदलाव को रद्द करने के लिए और इस कानून में भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारजनों को भी एसपीजी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसको इस बात का समावेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन पर भारत के संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों सदस्य द्वारा दबाव लाना चाहिए और इस कानून में फिर से बदलाव लाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और जो भारत के संसद में सदस्य है और जो हमारे बात से सहमत है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करके, एक जनहित याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें न्याय मांग सकता है। और हमें विश्वास है यदि सुप्रीम कोर्ट के नज़र में ये सारी बातें हम लाने में यदि कामयाब हुए तो अमित शाह द्वारा जो कानून में दो बदलाव किए गए हैं, वो दोनों बदलाव अन्यायकारक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारजनों के लिए खतरा है। और उन्होंने कहा कि जो परिवारजन सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ में रहते हैं, तो आप बताइए कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री का तो कोई अभी उनका परिवार ही नहीं है, उनके माँ के एक बुज़ुर्ग माँ के सिवा, लेकिन कोई प्रधानमंत्री है और उनको अगर बेटा है और बेटी है, यदि वो इंग्लैंड में पढ़ती है, लंदन में पढ़ती है, अमेरिका में पढ़ रही है, या लड़का बाहर देश में अगर पढ़ रहा है, तो क्या वहाँ पर विदेश के जो शत्रु राष्ट्र है वो आतंकी उन प्रधानमंत्री के बेटे को या बेटी को या उनके बहू को या उनके दामाद को उनका अपहरण नहीं कर सकते, उनकी हत्या नहीं कर सकते? इसलिए ये जो कानून है, ये इसमें जो बदलाव लाया है, ये पूरा अन्यायकारक है, ऐसा हमारा मानना है। हमारा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री को उनके लाइफ टाइम तक एसपीजी की सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनके जो परिवारजन हैं, उनका भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बेटा हो, उनकी बेटी हो, उनकी पत्नी हो, उनकी बहू हो, उनका दामाद हो, यदि वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ में रहे या वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ में रहे या विदेश में वो पढ़ाई करे या वो किसी और शहर में रहे या कोई बिजनेस करे, उनको भी एसपीजी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए हम
हमारा पक्का विचार है और हमारा स्पष्ट मत है कि 2019 में एसपीजी के एक्ट के अमेंडमेंट बिल में जो दोनों बदलाव किया है वो न्याय संगत नहीं है। और ये जो अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने केवल और केवल श्रीमती सोनिया जी गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इनके 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 जान को असुरक्षा निर्माण करने के लिए राजनीतिक द्वेष से, व्यक्तिगत द्वेष से यह एसपीजी अमेंडमेंट बिल 2019 का कानून लाया है और इसे दोनों सदनों में इसको मंजूर किया गया है। और इस कानून के तहत में श्रीमती गांधी, सोनिया जी गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनकी एसपीजी की सुरक्षा हटाई है। और इस निर्णय का हम इस निर्णय की निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। और इस कानून के दोनों प्रावधान हैं, इससे भी हम सहमत नहीं है। तो जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं और हमारी बात को सुन पा रहे हैं, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, किसी भी सामाजिक संगठन के हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो संगठन में पदाधिकारी हो, जो लोग हमारे बात से इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे सारे लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अपने संगठन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से उनके ऊपर में एक दबाव बनाए, ताकि इस अमेंडमेंट बिल में जो दो प्रावधान लाए हैं उन दोनों प्रावधानों को रद्द किया जाए और भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजन, चाहे उन भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ रहे या अलग रहे, उनको हमेशा एसपीजी सुरक्षा मिलती रहनी चाहिए, इस प्रकार का ही कानून कायम रहे, ऐसा हमारा मानना है। अभी हम अपने बात को यहाँ विराम देते हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर ज़रूर हमारे ईमेल पे भेजिए। हमारा ईमेल है bluetiger.adv.sudhirtaide@gmail.com। हमारा ईमेल है bluetiger.adv.sudhirtaide@gmail.com। और अब आप हमें मोबाइल फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9372125797। फिर से हमारा मोबाइल फोन लिख लीजिए 9372125797। और दोस्तों, और एक बात कहना चाहते हैं कि 10 दिन से हमारे ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल का स्टूडियो की जगह में थोड़ी हमारी दिक्कत हुई है। अभी हमें हमारे स्टूडियो के लिए, ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के स्टूडियो के लिए नई जगह हमें मिली नहीं है, इसलिए आप जो वीडियो देखते थे और सीधी आप हमसे बात कर सकते थे, वो सुविधा कुछ दिनों के लिए आपको दे नहीं पाएंगे, इसलिए हमें बेहद खेद है। और इसलिए हलचल तो हो रही है, विचार तो रखने पड़ेंगे और उस समय ही उस विचार को रखना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो नहीं कर सकते तो हम अपनी बात को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप तक हम लोग अपने विचार पहुंचा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी दिक्कत को आप समझोगे और कम से कम ये दिसंबर महीने के अंत तक हमारा ऑडियो आपको सुनना पड़ेगा। आप हमारे वीडियो देख नहीं पाओगे, लेकिन जनवरी 2020 से फिर से हमारी स्टूडियो की जगह हमें उपलब्ध होगी और फिर हम नई जगह पर ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल का स्टूडियो हम शुरू करेंगे और तब हम आप हमसे रूबरू कर सकोगे और हमारे वीडियोस देख सकोगे। तब तक के लिए आप हमारी बात को अलग अलग सेगमेंट में
सुनते रहिए और उस पर विचार मंथन करते रहिए। अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहिए। धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान।